ये साइंटिस्ट सालों से अपने लैब में लगा हुआ है और बनाना चाहता है एक ऐसी मछली जो बिजली से चले, जिसके लिए वो सबसे पहले एक स्ट्रक्चर तैयार करता है और उस इलेक्ट्रॉनिक फिश को एक शार्क का रूप देता है। सब कुछ होने के बाद वो उसके अलग अलग पार्ट्स पर काम करता है और उसके अंदर मोटर लगाता है ताकि शार्क पानी के अंदर तैर सके, और एक चार्जेबल लिथियम आयन बैटरी भी लगाता है, और फिर सालों की मेहनत और दिन रात की रिसर्च रंग लाती है और तैयार हो जाती है एक इलेक्ट्रॉनिक शार्क जो चलेगी एक रिमोट से। अब इस साइंटिस्ट इस शार्क को अपने लैब में टेस्ट करता है, लेकिन स्पेस कम होने की वजह से ये शार्क तैर नहीं पाती, इसलिए वो इसको एक बड़े से तालाब में लेकर जाता है और वहाँ पर ये मछली बहुत अच्छे से तैरती है, जिसे देख साइंटिस्ट बहुत खुश हो जाता है और वापस अपने लैब में आता है। पर वहाँ अगर उसे पता लगता है कि उसकी सारी रिसर्च चोरी हो चुकी है, और तभी डॉक्टर, तेरा ये प्रोजेक्ट मैं इंडियन नेवी तक कभी नहीं पहुँचने दूंगा।